नमस्कार प्यारे बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक पीलबगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में हमारे हिंदी अनिवार्य की कक्षा है, जिसमें हम पूर्व में हमारी जो पाठ्यपुस्तक है उसका पहला पाठ पद्य भाग का जो कबीर का जो जीवन परिचय और हम उसका एक पद जो हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित है वो पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरा जो पद हमारी पाठ्यपुस्तक में है वो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस पद को पढ़ना शुरू करते हैं। संतों देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। प्यारे बच्चों, ये जो पद है कबीरदास जी द्वारा रचित है और इस पद में कबीरदास जी ने इस संसार को पागल बताया और पागल बताते हुए संसार के जो क्रियाकलाप हैं और एक संतों के जो क्रियाकलाप होने चाहिए, जो वास्तव में क्या है उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उनकी बातें इसके अंदर बताई गई हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म की ऐसी अंधविश्वास बाह्य आडंबरों क्रियाक्रमों पर क्या है तीखे व्यंग्य कबीरदास जी ने किए हैं और उस ईश्वर जो प्राप्ति का मार्ग है वो मार्ग है ईश्वर की सहजता साधना। इस पर कबीरदास जी क्या करते हैं, सर्वोपरि बल देते हैं। तो सहज भक्ति की भावना पर इसके साथ हम हमारी जो प्रश्न पत्र होगा हमारे प्रश्न पत्र के अंदर कविता का जो पद्य होगा उस पद्य भाग से क्या होंगे, हमसे दो प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने हैं और आज हम उसका भी अभ्यास करेंगे। प्रश्न किस प्रकार के होंगे, अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न होंगे और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी होंगे। अर्थग्रहण के अंदर इस पद्य में जो अर्थ है, जो व्याख्या है, उस व्याख्या से कुछ प्रश्न पूछे जाने हैं। उन्हीं प्रश्नों में से दो प्रश्न हमने इस पैरे से लिए हैं आज। और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न का मतलब कि इसमें कौन सा छंद है, कौन सा रस है, कौन सा अलंकार है, इसकी भाषा कैसी है, जो कला पक्ष होता है उस पक्ष के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। उनमें से हमने दो प्रश्न यहाँ पर क्या किए हैं, इस ही पद्य से लिए हैं। तो इस प्रकार आज हम इस पद की व्याख्या शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है संतों देखत जग बोराना। जग बोराना, जग मैंने संसार होता है, क्या होता है संसार। बोराना का मतलब पागल है, मतलब पागल होना। कि कबीरदास जी कहते हैं कि संतों देखो ये जो संसार है ये क्या पागल हो रखा है। साच कहो तो मारण धावे झूठे जग पतियाना। अब साच का मतलब होता है सत्य बोलना, मैंने सच बोलना। मारण धावे, मारण धावे मैंने दौड़ना, क्या करने मारना, मारण मैंने मारने दौड़ना। कि अगर इस संसार के लोगों को हम सच्ची बात कहे तो इस संसार के लोग हमें क्या करते हैं, संतों को मारने के लिए दौड़ते हैं और कहते हैं झूठे जग पतियाना। पतियाना मैंने विश्वास करना, पतियाना मैंने विश्वास करना। तो कहते हैं कि अगर इस संसार के लोगों को हम वो झूठी झूठी वो उनके सुनने योग्य जो बातें हैं परंतु उनके काम की नहीं है, उस ईश्वर भक्ति में ईश्वर की प्राप्ति में जो उनकी सहायक नहीं है, ऐसी बातें हम कहें तो इस संसार के लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जबकि अगर हम सच बात उस परमात्मा की प्राप्ति का जो सही मार्ग है अगर हम उसे बताने का प्रयास करें तो वे उस पर विश्वास नहीं करते बल्कि हमें मारने के लिए दौड़ते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। अब देखिए नेमी का मतलब नियम पालन करने वाला, नियम पालन करने वाला। धर्मी मैंने धर्म का पालन करने वाला। प्रात मैंने प्रात है। स्नाना का मतलब होता है स्नान, जिसे हम कहते हैं नहाना। क्या कि इस संसार के अंदर हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है, ऐसे ऐसे हिंदू या मुस्लिम हो कि वे नियमों का पालन करते हैं बड़ी ही सख्ताई के साथ, धर्म के अनुसार आचरण करते हैं और प्रातः करें और प्रातः उठते ही क्या है वे स्नान करते हैं। ऐसी ऐसी क्रियाएं करने वाले हमें क्या हैं इस संसार में मैंने देखे। और कहते हैं कि आत्म, आत्म मैंने आत्मा, मारी मैंने मारकर, पखानई मैंने पत्थर की मूर्ति, क्या
पत्थर की मूर्ति पूजे मैंने पूजन करते हैं उनमें कछु नहीं ज्ञाना और उसमें कोई ज्ञान नहीं है। क्या अब ये जो पत्थर की मूर्ति गई इसका मतलब ये हिंदू धर्म की बात करते हैं कि मैंने हिंदू धर्म के ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो नियमों का पालन करते हैं, जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, प्रातः उठते स्नान करते हैं और अपनी आत्मा को मार करके क्या करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें कछु नहीं ज्ञान, उनमें कोई भी ज्ञान नहीं है, उसमें उस परमात्मा को जानने की कोई भी बात नहीं है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा जिससे कि उसे उस परमात्मा की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति हो। आगे कहते हैं बहुतक देखा पीर ओलिया। बहुतक का मतलब होता है अनेक। पीर ओलिया का मतलब मुस्लिम धर्म के जो धर्म गुरु होते हैं उनकी बात की गई है। मुस्लिम धर्म के जो मस्जिदों में जो पुजारी होते हैं वो पीर ओलिया उनको कहे हैं। पढ़े किताब कुराना, किताब का मतलब होता है पुस्तक या किताब, पुराना मैंने कुरान जो मुस्लिम धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है जिसमें मुस्लिम धर्म के नियम कायदे कानून सभी हैं। तो कहते हैं कि इस संसार में मैंने ऐसे बहुत से मुस्लिम धर्म के पीर ओलियाओं को, पंडितों को देखा है, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं को देखा है कि जिन्होंने क्या किए, कुरान को पढ़ा है, कुरान को जानने वाले बहुत देखे हैं मैंने, पढ़ने वाले देखे हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, मुरीद का मतलब होता है शिष्य, क्या होता है शिष्य, और तदबीर का मतलब होता है उपाय, और वे अपने शिष्य को क्या करते हैं, उपाय बताते हैं। किस चीज़ का उपाय, कि उस परमात्मा को, उस अल्लाह को कैसे प्राप्त करना है। कौन बताएंगे, जो पीर ओलिया हैं मुस्लिम धर्म के, जो धर्म गुरु हैं वे अपने शिष्यों को क्या बताते हैं, वे उपाय बताते हैं कि उस अल्लाह की प्राप्ति कैसी होगी। उनमें वे जो ज्ञान, क्या बताते हैं उनमें, वे पीर ओलिया वे ही बातें बताते हैं जो कि उन्हें पता है। उन्हें क्या पता है, हमने पहले ही बता दिया कि उन्हें वो पता है जो कुरान में लिखा हुआ है, उन्हें वो नहीं पता कि उस परमात्मा को प्राप्त कैसे करना है। अब कहते हैं आसन मारी डिम्ब डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत घुमाना। अब आसन मारी का मतलब होता है समाधि लगाना, क्या लगाना, समाधि लगाना, या ये वो कह सकते हैं कि ध्यान मुद्रा में बैठ जाना। डिम्ब मैंने दम्ब में, अभिमान में, धरी मैंने धारण करके बैठे हैं कि आसन तो लगाया है, समाधि तो लगाई है, परंतु समाधि के साथ में क्या लगा दिया, चार लोगों को बता दिया कि मैं तो प्रातः प्रातः क्या करता हूँ, ध्यान मुद्रा करता हूँ, समाधि लगाता हूँ, ईश्वर का ध्यान करता हूँ। हलो अब ये कबीरदास जी कहते ऐसा आसन लगा करके गर्व सहित बैठ जाते हैं, और जब अभिमान होता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन में बहुत घुमाना, गुमान मैंने घमंड, और मन में क्या होता है, घमंड। तो इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि इस संसार में ऐसे बहुत से लोग देखे मैंने कि जो समाधि लगा करके बैठ जाते हैं गर्व सहित, चार लोगों को बताते हैं घमंड से कि मैं समाधि लगाता हूँ। आगे कहते हैं पीपर पाथर पूजन लागे। पीपर का मैंने, पीपर का मतलब पीपल, पाथर मैंने पत्थर, पूजन लगे। क्या करते हैं हिंदू धर्म के लोग, पीपल की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों की बनी हुई मूर्तियों का पूजन करते हैं, और क्या करते हैं तीर्थ गर्व बुलाना। बुलाना का मतलब ब्रह्म, और तीर्थ के गर्व में क्या हुए हैं, भूल चुके हैं किसको, उस परमात्मा को। तीर्थ मैंने तीर्थ यात्रा पे जो जाते हैं, आज हरिद्वार चले गए, कल प्रयागराज चले गए, काशी चले गए, वाराणसी चले गए, तो कहते हैं कि उस तीर्थ के गर्व में क्या है, सब कुछ भुलाया जा चुका है। टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना। अब देखो हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो पुजारी होता है वो टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक का मतलब तिलक लगाना, तिलक लगाना और छापे की जो रामनामी छापा की जो चद्दर कह दो या साफा कह दो जो पहनते हैं वो। अनुमाना मैंने यहाँ पर वो उसे का पहनना है, ठीक है ना। छाप तिलक अनुमाना मतलब छाप और तिलक लगाने से मतलब है। तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वे टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, छाप तिलक लगाते हैं। मुसलमान भी क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं। कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना।
साखी शब्दी का मतलब होता है जो पद होते हैं, क्या होते हैं, पद होते हैं, जो दोहे होते हैं, जो कविता के रूप में गाई जाती हैं, उनको गाते गाते हुए भूले हुए हैं। क्या भूले हुए हैं? आत्म खबरी नहीं जाना। आत्म का मतलब अपनी आत्मा की खबर को वो जानते नहीं है कि यह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके ज्ञान को वे बिल्कुल भी जानते नहीं है। हिंदू कहे वही राम प्यारा, हिंदू धर्म के लोग कहते हैं वही मैंने मुझे, राम प्यारा का मतलब राम से प्रेम है, राम से क्या है, राम मेरा क्या है, प्रिय है, ऐसा हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। और तुर्क कहे रहीमाना, तुर्क का मतलब जो मुसलमान है, जो मुसलमान है वो क्या कहते हैं, रहीमाना का मतलब होता है रहम करने वाला, रहम करने वाला कौन, वो अल्लाह क्या है, प्यारा है। हिंदू क्या कहते हैं कि उसे राम प्रिय है, तुर्क अर्थात मुसलमान क्या कहता है, उसे वो रहमान रहम करने वाला जो अल्लाह है वो उसे प्रिय है। आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू जाना। अब देखना क्या है कि आपस में दो का मतलब दोनों, दो का मतलब दोनों कौन, हिंदू और मुस्लिम। लरी लरी, लरी लरी का मतलब होता है लड़ लड़ कर, मुए मैंने मर गए, मरम नैन, मरम का मतलब रहस्य, वो जो ईश्वर का रहस्य है काहू ने जाना, किसी ने भी नहीं जाना। क्या कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों जो लोग हैं, दोनों समुदाय के लोग, वे आपस में लड़ लड़ करके मर गए हजारों वर्षों तक, परंतु किसी ने भी उस रहस्य को नहीं जाना है परमात्मा के। और क्या है, घर घर मंत्र देत फिरत, मंत्र का मतलब होता है मंत्र, मंत्र मैंने गुप्त रहस्य कि उस परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है, वो मंत्र देना कौन, हम जैसे कि हिंदू धर्म में क्या है, गुरु बनाया जाता है और गुरु क्या करता है, मंत्र देता है, उस मंत्र का जाप व्यक्ति करता है। तो ऐसे जो मंत्र देने वाले जो गुरु हैं वो घर घर क्या है, मंत्र देते फिरते हैं। आगे कहते हैं कि महिमा के विमाना, किसके लिए, महिमा, अपनी महिमा, अपनी महत्ता, या जिसे कहते हैं अपनी श्रेष्ठता के अभिमान के कारण, अपनी श्रेष्ठता के गर्व के कारण वे घर घर अर्थात हर घर घर, बहुत से ऐसे संत आज हमें दिखते हैं जो मंत्र देते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, किस कारण, सिर्फ उसे अपनी महिमा और श्रेष्ठता बताने के लिए कि मेरे इतने शिष्य हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, सिख का मतलब होता है शिष्य, और बूढ़े का मतलब होता है डूब गए। जब ऐसी परिस्थिति होती है तब कहते हैं कि गुरु के साथ में शिष्य भी डूब जाता है। अंतकाल पछताना, अंतकाल पछताना मैंने पछतावा होता है, कब होता है, अंत में, क्यों होता है कि वो जो परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग गुरु ने बताया था ना तो गुरु को मिला और ना ही शिष्य को मिला। आगे कहते हैं कहे कबीर सुनो तो संतो ई सब भरम बुलाना, भरम मैंने ब्रह्म, बुलाना मैंने बुलाए। कबीरदास जी कहते हैं हे संतो सुनो मेरी बात को, ये सब जो ब्रह्म है, कौन सा ब्रह्म, ये जो हमने जितने भी कर्मकांड कर रखे हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म के दोनों समुदाय के लोगों ने जो कर्मकांड किए हैं उन सब के ब्रह्म को भूल ला दो, मैंने उसको भूल जाओ, जो भी हमने किया है उन सब का त्याग कर दो। क्या करना है, कैतिक कहो कहाँ नहीं माने, कैतिक मतलब कितना कहो, मैंने समझाऊं कि मैं कितना समझाऊं सबको, क्यों कहा नहीं माने, कहना ही नहीं मानते हैं। क्या कि हे संतो मैं आपको कितना समझाऊं, आप कहना मानो, क्या कहना मानना है, तो कहते कि सहजे मैंने स्वाभाविक, सहज मैंने ईश्वर, समाना का मतलब है लीन होना या मिलन होना, मिलन होना। क्या है कि कितना समझाऊं मैं आप लोगों को, उस परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, स्वाभाविक रूप से उस ईश्वर में क्या हो जाना, लीन हो जाना, उसमें मिल जाना।
इस प्रकार संपूर्ण पद में एक ही बात कबीरदास जी ने कही कि उस ईश्वर की प्राप्ति के वो प्राप्त करने के लिए ये जो जितने भी मार्ग इस संसार के लोग बता रहे हैं वो सब के सब क्या हैं, उस ईश्वर से हमें दूर ले जाते हैं। उस ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ एकमात्र चीज़ से है, उस ईश्वर को सहज रूप से स्वीकार कर लेना, सहज रूप से उस ईश्वर में लीन हो जाना, सभी कर्मकांड बाह्य आडम्बरों दिखावों अंधविश्वासों का त्याग करके उस ईश्वर को सहज रूप से स्वीकार कर लेना। तो ये जो संपूर्ण पद है इसमें ईश्वर की साधना का जो मार्ग है वो सहज साधना बताया है। अब हम हमारी पाठ्य पुस्तक में ये इस पद से संबंधित क्या है, हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं, वो प्रश्न हमें पेपर में प्रश्न पत्र में ऐसे ही मिलने वाले हैं। हमारे सामने लिखा होगा ऐसा पद लिखा होगा, उसकी चार पांच पंक्तियां होंगी और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न लिखे होंगे। तो उसमें हमने दो प्रश्न लिए हैं, यहाँ पर कबीर ने इस पद में संसार के लोगों में क्या कमियाँ बताई है, तो क्या कमियाँ बताई हैं, तो हमने देखा संसार के लोगों के बारे में कमियाँ बताई कि सच कहने पर मारने दौड़ते हैं, झूठ बोलते हैं तो वो उस पर विश्वास कर लेते हैं, नेमी धर्मी ऐसे लोग देखे हैं, स्नान करने वाले देखे हैं जो जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ध्यान मुद्रा में बैठे हैं समाधि लगा लेते हैं परंतु ज्ञान नहीं है, ऐसे बहुत से मुस्लिम धर्मगुरु भी देखे हैं जिन्हें कुरान का बड़ा ज्ञान है, शिष्यों को उपाय बताते हैं परंतु वो बात बताते हैं जो उन्हें पता है, ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं पता। कहते हैं आसन लगा करके बैठ जाते हैं परंतु घमंड नहीं छोड़ते, तीर्थ पत्थर पूजते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तीर्थों में जाते हैं और किस लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने अभिमान गर्व के कारण, टोपी माला पहन करके क्या करते हैं अपने आप को बड़ा धार्मिक बताते हैं। और तो और आगे क्या कहा कि दोनों धर्म के लोग लड़के मर गए परंतु ईश्वर को नहीं जान पाए, और साथ में क्या कह दिया कि घर घर मंत्र देते हुए गुरु बहुत फिर रहे हैं, ऐसे गुरु क्या करते हैं साथ में तो स्वयं डूबते हैं साथ में शिष्यों को भी ले डूबते हैं। तो ये सारे संसार की क्या बताई हैं कबीरदास जी ने इस पद में कमियाँ बताई हैं। दूसरा प्रश्न है संसार, कबीर ने संसार को पागल क्यों बताया, कबीर ने संसार को पागल इसलिए बताया कि संसार के लोगों को जब सच बात बताई जाती है तो वे उस सच्चे व्यक्ति के विरोधी हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि कबीरदास जी ने जब सच बात बताई ईश्वर के सहज मार्ग को बताया तब उनका भी उस समय विरोध हुआ था और उन्हें पागल कहा गया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पागल मैं नहीं, पागल संसार के लोग हैं, इनको सच कहें तो क्या करते हैं मारने दौड़ते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, परंतु झूठ बोले तो उसका भी विश्वास करते हैं, उसकी बात को मानते हैं, परंतु अंत में उन्हें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। अब है काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न लिखा है रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है और क्यों। प्यारे बच्चों इस संपूर्ण में हमने ये जो पंक्ति थी अंतिम केति कहो कहाँ नहीं माने सहजे सह समाना, ये पंक्ति हमने रेखांकित की थी, इस रेखांकित पंक्ति का क्या बताना है, इसमें अलंकार कौन सा है। तो प्यारे बच्चों इसमें जो अलंकार है कै वर्ण की आवृत्ति और सै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो आगे लिखा है कि क्यों, तो लिखना है क्या कि जहाँ जिस काव्य पंक्ति में एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति में कै वर्ण और सै वर्ण की क्या है आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आगे लिखा है छंद की दृष्टि से प्रस्तुत पद्य की विशेषता बताइए। तो प्यारे बच्चों इस संपूर्ण पद के अंदर क्या है, पद छंद है, पहली बात तो है पद छंद है, दूसरी बात ये एक गेय पद है, क्या है गेय पद, इसका मतलब इसे गाया जा सकता है, तीसरी बात क्या है इसमें, तीसरी बात है संगीतात्मकता, क्या है संगीतात्मकता, अर्थात जिसे गाएंगे उसमें संगीत का गुण होगा, उसके बाद चौथी बात क्या है तुकांतता, तुकांतता किसे कहते हैं उसे ध्यान से समझ लेना कि जब भी कोई जो भी कोई काव्य पंक्ति होती है उसका अंतिम जो वर्ण होता है अगर उस संपूर्ण पद में छंद में वो समान होता है तो उसे तुकांतता कहते हैं। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये बोराना या पतियाना असनाना ज्ञाना पुराना ज्ञाना गुमाना भुलाना अनुमाना जाना रहीमाना
जाना, अभिमाना, पछताना, बुलाना, समाना, सब में क्या है, आना आना क्या है, ये एक तुकांतता है, तुकबंदी की गई है। तो इस प्रकार इसमें क्या है, तुकांतता भी है। तो ये क्या हो गई, इस छंद की चार विशेषताएं हो गई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने हमारे हिंदी अनिवार्य का ये जो पहला पाठ है कबीर, इसको पढ़ा, समझा है। इसके अर्थग्रहण और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न भी हमने इसके साथ कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।